हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेज स्टडी क्लासेस में। बच्चों, लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 विषय गणित का वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं। आकलन 3, घातांक और घात एवं सरल समीकरण की समझ के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वर्कशीट में हमें समीकरण को सरल करना है। तो चलिए बच्चों इसका पहला सवाल करते हैं। यहाँ लिखा है बच्चों हमने हल। ठीक है, जैसे कि बच्चों आप यहाँ देख सकते हो -7 पे घात 5 गुणा -7 पे घात 3 है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ आधार समान है और घाते अलग अलग है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, जब आधार समान होता है तो घाते जुड़ जाती हैं। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, -7 घात -7 5 + 3। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर होगा बच्चों -7 पे घात 8। ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों इसका दूसरा सवाल करते हैं। हल, जैसे कि बच्चों यहाँ लिखा है 5 पे घात 7 गुणा 5 पे घात 6। ठीक है, और ब्रैकेट बंद और इसके ऊपर भी घात 2 लगी है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों, 5 क्योंकि यहाँ आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 + 6। ठीक है, और इस पे घात 2। ठीक है बच्चों, अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, 5, 7 और 6 को जोड़ देंगे कितने हो गए 13। ठीक है, और ये घात 2। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, 5 और ये 13 × 2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा बच्चों 5 पे घात 26। तो बच्चों यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों इसका अगला सवाल करते हैं। लेकिन बच्चों वर्कशीट नंबर 1 से लेकर वर्कशीट नंबर 17 की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में से वर्कशीट नंबर 1 से लेकर वर्कशीट नंबर 17 तक की वीडियो को देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इसका तीसरा सवाल करते हैं। यहाँ लिखा है बच्चों 162 को घातांकी रूप में लिखो, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों हम। यहाँ लिखा है बच्चों हमने हल। ठीक है, तो बच्चों 162 को घातांकी रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 162। अब इसके खंड कर लेंगे बच्चों हम, दो के पाड़े से काटेंगे, 2 8 16 2 1 2। ठीक है, और बच्चों अब ये 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 2 6 और 3 7 21। ठीक है, 3 9 27, 3 3 9 3 3 9 और 3 1 3। तो बच्चों ये इसके खंड हो गए, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, 2 × 1 2 3 4, 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 पे घात 4, 1 2 3 4, 3 4 बार है तो 3 पे घात 4, और 2 कितनी बार है, 1 बार, तो हम 2 पे घात 1 लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 162 = 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर आ गया बच्चों 2 पे घात 1 और 3 पे घात 4। ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों हम, 162 = 2 पे घात 1 × 3 पे घात 4, तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, इसका अगला सवाल करते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ देख सकते हो बच्चों आप, -3 पे घात 2 है और फिर उस पर भी घात 3 है। तो चलिए बच्चों करते हैं हल। तो बच्चों इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, -3, ठीक है, और बच्चों घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो हम 2 × 3 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, हम 2 और 3 का गुणा कर देंगे, यानी -3 3 × 6। ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं x पे घात 2 / x पे घात 2 है, वो सरल करना है, तो हम यहाँ देखेंगे हल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देख सकते हैं x पे घात 2 और x पे घात 2, तो बच्चों ये x पे घात 2 x पे घात 2 है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये समान पद है, तो बच्चों ये आपस में कट सकते हैं, x पे घात 2 से x पे घात 2 को काट दिया है, तो कितना उत्तर आ गया बच्चों,
इसका एक उत्तर आएगा, ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों इसका छठवां सवाल करते हैं। यहाँ लिखा है बच्चों समीकरण बनाइए, तो बच्चों इस प्रश्न में हमें समीकरण को बनाना है। यहाँ लिखा है बच्चों हमने हल, यहाँ लिखा है बच्चों किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 कम है, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं किसी संख्या, माना कि हमने एक्स वो संख्या मान ली, ठीक है, और उसका 1/5 कह रहा है, तो हम 1/5 यानी कि उसके नीचे 5 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करा है बच्चों उसी संख्या से 20 कम है, तो बराबर लगाएंगे एक्स जो हमने संख्या मानी थी, ठीक है, एक्स -20 लिख देंगे, तो बच्चों यही इसका उत्तर होगा। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चों लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 विषय गणित की सभी वर्कशीट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बच्चों यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वे भी ये वर्कशीट आसानी से कर सके। धन्यवाद बच्चों।